कि आप लोगों ने क्या मजाक लगा रखे हाँ कि अगर मेरे मियाँ ने ये बोल दिया कि हरीम शाह मुझे मेरे माँ बाप के दुआओं की बदौलत मिली है तो आप लोगों की क्या तकलीफ है, आप लोग इतना जेलस क्यों हो रहे हैं? अगर किसी कपल के लिए अच्छी दुआ नहीं कर सकते तो जेलस होने से क्या फ़ायदा? और जिन लोगों की मुमासलत आप लोग कर रहे हो, मियाँ खलीफा, सनी लियोनी, पता है वो कौन है? इंटरनेशनल स्टार, उनका तो लेवल बहुत हाई लेवल है। और उनको ना जब मैं दुबई में थी वहाँ पे सनी लियोन जब आ रही थी तो वहाँ मैं आप पाकिस्तानियों को मैंने तड़पते हुए देखा था, मचलते हुए देखा था एक झलक देखने के लिए, सेल्फी लेने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप जैसे लोग जो लाइनें लगा के खड़े थे, जो तड़प रहे थे, जो अल्लाह से दुआएं मांग रहे थे कि हम सनी लियोनी को एक झलक देख लें, उनके साथ सेल्फी ले लें, उनको तड़प रहे थे, लेकिन वो उनको लात मार के और उनकी सिक्योरिटी गार्ड और उनको वहाँ से ले गए थे। तो एक तरफ से आपको, आपके मोबाइलों की स्क्रीन पे हर वक्त वो होती हैं आपके लिए खुशी का बायस होती हैं, जब तक आप उनको देखो ना रातों को आपको नींद नहीं आती, और दूसरी तरफ पीठ पीछे आप बातें करते हो, अपने गिरबान में जाओ, खुद क्या हो, खुद को देखो और फिर दूसरों पे बातें करो। और बोंके मत, बोंकतों से मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ऐसे जीवन साथी दिए कि उसको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोगों की मैंटेलिटी समझते हैं, वो आप लोगों की औकात, सबकी औकात जानते हैं कि लोग क्या हैं, कौन कितने पानी में और किसकी क्या औकात है। आए जो बात कर रहे हैं, ये जो कमेंट कर रहे हैं, उनके अपने घर के हालात कैसे हैं और वो क्या कर रहे हैं, क्या हुआ, क्या हुआ बिलाल? अच्छा बिलाल क्या कहेंगे आप? बिलाल ये लोग जो तो ऐसे कमेंट्स करके और ऐसी बातें करके आप अपनी औकात मत दिखाएं, अपने माँ बाप की, अपने बहन भाइयों की, अपने खूनी रिश्तों की फिक्र करें। और जो जो लोग इवन के मुझे आके बैड कमेंट्स कर रहे थे तो उनको अपनी बेटियों का पता ही नहीं कि कहाँ बैठी हुई हैं, माएँ किसके साथ हैं और लातें किसके साथ हैं, और पीछे से उनकी अपनी नस्ल अपनी औकात कर रहे हैं। तो अपने गिरबान में झांकिए, हम खुश हैं, हम पे अल्लाह की ब्लेसिंग है, खुश होते हैं वो जिन पे अल्लाह का करम होते हैं, अल्लाह का फजल होते हैं, वो लोग लाइफ इंजॉय कर रहे होते हैं। तो अगर हम लाइफ इंजॉय कर रहे हैं तो हमारे ऊपर हमारे अल्लाह का एहसान है, हमारे रब का करम है, हमारे अल्लाह की हमारे साथ कोई ना कोई खुशनूदगी है। हम बहुत हकीर से हैं, हम शायद बहुत गुनाहगार हैं आपसे, लेकिन हम किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, हम आप लोगों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, हम आप लोगों की टांगें नहीं खींचते, हम दूसरों की लाइफ में मदाखलत नहीं करते। सो बी केयरफुल। और बिलाल वो कह रहे हैं कि अगर माँ बाप ज़्यादा दुआएँ करते तो सनी लियोनी मिल जाती। जी जी जी, बस आपने कह दिया काफ़ी है।